सब्सक्राइब कीजिए लर्न एबीटी चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे जाके नया नया वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों मैं कार्तिक और मेरा चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आज एक ऐसा वायरिंग करके दिखाएंगे कि जिस वायरिंग में आप एक बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो वायरिंग है, वायरिंग करने के लिए हम 2A का स्विच लिए हैं। तीन को 2A का स्विच है, देखिए ये 2A जो स्विच है, 2A स्विच का तीन को पॉइंट होता है। देखिए हर एक स्विच में तीन को करके पॉइंट है। तो इस तीन को जो पॉइंट है, इस तीन को पॉइंट को हम सबसे पहले इसका जो स्क्रू है, सबसे पहले स्क्रू को खोल देते हैं और खोलने के बाद इसका जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं ये देखेंगे हम। और इस प्रकार का जो कनेक्शन सीख गए तो आपका जो वायरिंग है, वायरिंग में ये कनेक्शन बहुत काम आता है। विशेष करके जो कॉरिडोर वायरिंग होता है, कॉरिडोर में इस प्रकार जो वायरिंग है और वायरिंग किया जाता है। तो अभी हम तीन को जो 2A स्विच है, 2A स्विच लिए हैं। अभी उसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन भी हम करके देखेंगे कि किस तरीके से आप 2A स्विच का कनेक्शन करके एक बल्ब को तीन जगह से ऑपरेट कर सकते हैं। और मेरे पास है एक गो बल्ब है और एक बल्ब होल्डर है, ठीक है। अभी जो बल्ब होल्डर है, बल्ब होल्डर का कनेक्शन तो आप लोग को पता ही होगा कि बल्ब होल्डर जो होता है उसमें दो गो पॉइंट रहता है। अभी उसका कनेक्शन भी हम दिखा देते हैं खोल के। ये देखें, इसमें दो गो पॉइंट रहता है, एक में फेज आता है और एक में न्यूट्रल आता है। एक में फेज आता है और एक में न्यूट्रल आता है। तो दो गो वायर इस तरीके से जोड़ देंगे बल्ब होल्डर में। और जोड़ने के बाद जो बल्ब होल्डर कनेक्शन है, बल्ब होल्डर कनेक्शन हो जाएगा। तो अभी जो ये 2A स्विच का कनेक्शन है, यानी कि जो कॉरिडोर वायरिंग भी आप बोल सकते हैं, कॉरिडोर का जो वायरिंग होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग में या कोई भी बिल्डिंग में जो कॉरिडोर का वायरिंग होता है, कॉरिडोर का वायरिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हम इसका जो कनेक्शन है, कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले जो 2A स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है उसमें हम एक तार जोड़ देते हैं और ये तार जाएगा दूसरा जो हमारा 2A स्विच है, 2A स्विच का पॉइंट ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट के साथ जोड़ेगा। अभी देखिए ये पहला 2A स्विच जो है उससे हम दूसरा जो 2A स्विच है किस तरीके से कनेक्शन किया है, ऊपर वाला जो पॉइंट है ऊपर वाला पॉइंट के साथ हम जोड़ दिए हैं। अब जो नीचे का पॉइंट है, नीचे का पॉइंट से जो दूसरा 2A स्विच है उसका नीचे का पॉइंट के साथ हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप कनेक्शन को कर सकते हैं। ये बढ़िया तरीके से सीख लीजिए इस कनेक्शन को ताकि आपको इस प्रकार का जो कनेक्शन है करने में कोई दिक्कत ना आए, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो अभी जो दूसरा स्विच है मेरा, दूसरा स्विच से हम तीसरा स्विच के कनेक्शन कर देंगे। इस तरीके से आप ऊपर का पॉइंट जो पॉइंट है पॉइंट के साथ ऊपर वाले पॉइंट में हम जोड़ देंगे। जो इस तरीके से हम जो तीन गो स्विच है मेरा, इस स्विच को आप कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को सिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो इसलिए क्या है छोटा छोटा वायर का इस्तेमाल किया हूँ। जब जहाँ पे आप वायरिंग करिएगा वहाँ पे क्या होगा, बड़ा बड़ा वायर को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे आप स्विच को बैठाएगा, जिस बोर्ड में स्विच को बैठाएगा, जिस जिस जगह पर आप स्विच को बैठाएगा, तो उस जगह के बड़ा बड़ा वायर को इस्तेमाल करके कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आने वाला समय का जो वीडियो रहेगा सबसे पहले आपको मिले। तो अभी जो इसका बीच में है, बीच में बीच वाला जो स्विच होता है और इधर लास्ट वाला जो स्विच है उसके साथ हम क्या कर देते हैं, बीच वाला पॉइंट के साथ हम शॉर्टिंग कर देते हैं। और शॉर्टिंग करने के बाद ये जो शॉर्टिंग हो गया, अब शॉर्टिंग करने के बाद इसके साथ हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग कर देंगे। जैसे ही शॉर्टिंग कर देंगे, शॉर्टिंग कर दिया और शॉर्टिंग कर देने के बाद
अभी जो है इसमें अभी तक मैं सप्लाई नहीं दिया हूँ, यानी कि जो लाइन वायर है लाइन वायर को नहीं दिया हूँ। तो अभी हम इसमें लाइन का कनेक्शन भी हम कर देंगे, और लाइन का जो कनेक्शन है, लाइन के कनेक्शन करने के बाद जो होल्डर का कनेक्शन है, होल्डर का भी कनेक्शन हम कर देंगे। तो अभी जो होल्डर है, होल्डर को हम लिए हैं, अब होल्डर का कनेक्शन हम इसके साथ कर देते हैं। जो लास्ट वाला मेरा स्विच है, और लास्ट वाला स्विच के साथ हम जो होल्डर का एक वायर है, यानी कि जो फेज वायर होगा, यानी कि जो लाइन बल्ब पॉइंट है, उसको हम लास्ट वाला जो स्विच है, स्विच का के साथ हम इसको लगा देते हैं। अभी हम इसको लगा दिए हैं, लास्ट वाला जो स्विच है स्विच के साथ, ये होल्डर का जो एक वायर है, यानी कि जो लाइन वायर है, लाइन वायर को हम इसको जोड़ दिए हैं। और जोड़ने के बाद होल्डर का जो दूसरा वायर रहेगा वो मेरा जाएगा न्यूट्रल के साथ। होल्डर का जो दूसरा वाला वायर रहेगा वो दूसरा वाला वायर जाएगा न्यूट्रल के साथ। और इधर जो स्विच का एक पॉइंट बाकी है, अभी जो बीच वाला पॉइंट बाकी है, उसके साथ हम जो लाइन वायर है, लाइन वायर का कनेक्शन हम कर देंगे। अभी देखिए ये जो लाइन वायर है, इस लाइन वायर को हम बीच वाला जो पॉइंट है, बीच वाला स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है, उसका हम जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद जो होल्डर का जो एक वायर अभी बाकी है वो हमारा जाएगा न्यूट्रल के साथ। अभी इसको वो न्यूट्रल में हम दे देंगे, तीन जगह से तीन के बाद दबा जो बाल्ब है ऑफ ऑन करके देखेंगे, बाल्ब को हम लगाएंगे और लगा के इस प्रकार से चालू करके देखेंगे करता है किस तरीके से, तीन जगह से आप ये काम करता है और ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो बाल्ब है तीन जगह से किस प्रकार से ऑपरेट होता है जो है, देखिए अभी